आपने तमाम वादे गिनाए महंगाई पर नहीं गए आप ऐसे क्यों देखिए महंगाई है महंगाई अपनी अपनी सोच का फर्क है उत्तर प्रदेश की राजनीति की के यहाँ राज्य महंगाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है क्या महंगाई मुद्दा रहेगी इस बार चुनाव में महंगाई मेन मुद्दा है अब इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार बनाने के दावे कर करेगी तो किसानों ने यह दिखा दिया सरकार को कि तुमने जो गलती की है प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी है कौन सी सरकार देखना चाहते हैं इस बार किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं यूपी में केजरीवाल को देखना चाहते हैं और तो केजरीवाल को क्यों योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत सुविधा कर रखी नमस्कार मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया आज के हमारे खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का में हम मौजूद हैं गाजियाबाद के नंदग्राम में और यहां पर हमारे साथ सभी तमाम पार्टियों के लोग जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूं आप सभी से हमारे साथ बीजेपी uh, पार्टी से हैं संजय त्यागी जी आम आदमी पार्टी से हैं हमारे साथ संदीप सूद और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं लालमन जी इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दावों में कितना दम है क्या इस बार उत्तर प्रदेश में इन लोगों की सरकार बनने वाली है इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे सबसे पहले सत्ता पक्ष पर पहुँचते हैं संजय त्यागी जी आपसे जानना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इस बार पहले से ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं क्या कहते हैं इस मामले पर बिल्कुल सही दावा है जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित की है माफियाओं का गुंडों का जो हसर हुआ है वो प्रदेश की जनता के सामने है और कानून व्यवस्था के दम पर ही और विकास के दम पर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं और पहले से अधिक बहुमत के साथ दोबारा सरकार बना रहे हैं पैंतीस वर्षों का उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड टूटने जा रहा जो मिथ्या था कोई मुख्यमंत्री पैंतीस वर्षों से रिपीट नहीं होता था दोबारा से यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी रिपीट होने जा रहे हैं अच्छा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी रिपीट होने जा रहे हैं आपने तमाम वादे गिनाए महंगाई पर नहीं गए आप ऐसे क्यों देखिए महंगाई कहाँ है महंगाई अपनी अपनी सोच का फर्क है महंगाई आप एक बात बताइए कोई घर होता है परिवार होता है उसमें जब सदस्य होते हैं तो साधन संसाधन की आवश्यकता होती है महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है विकास अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया था महंगाई का ही लेकर बनाया था आम आदमी पार्टी से हम इनसे जानते हैं महंगाई मुद्दा नहीं है क्या कहते हैं इस पर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के अंदर ही बात करेंगे भारत के अंदर पिचासी परसेंट लोग हैं जो बहुत गरीबी रेखा से हैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की राजनीति की के यहाँ राज महंगाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है जो आज गैस नब्बे रुपये किलो है पेट्रोल सौ रुपये किलो है अब से आठ साल पहले वो चीज़ें अस्सी सत्तर से ऊपर नहीं थी और मोदी जी ने गुजरात में दावा करा था गुजरात की जनता को उस उस समय पीएम दूसरे कोई और थे मैं उनका नाम नहीं जानता तो ये... आप नाम याद कर लीजिए आपसे जानते हैं क्या लगता है क्या महंगाई मुद्दा रहेगी इस बार चुनाव में महंगाई मेन मुद्दा है जो गरीब लोग हमारे हैं वो कहाँ पहुँच गए बताइए आप रोडों पे आ गए कुछ लोग एक्सपायर हो देखिए आप छोटे छोटे पैसे के चक्कर में लोग जब लॉकडाउन में क्या हालत थी उन लोगों की खाना नहीं था उन लोगों के पास तो इससे बड़ा मुद्दा क्या है महंगाई इससे सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेंडर जो आज की डेट में ग्यारह सौ अखिलेश यादव जी महंगाई के मुद्दे को बोल रहे हैं फिर वो अपने भाषणों में अक्सर महंगाई को नहीं बोलते हैं नहीं भूल नहीं रहे उनका मेन मुद्दा यही है महंगाई को लेकर उन्होंने कई बार का सिलेंडर को लेकर और क्या नाम जो है पेट्रोल को लेकर कई बार हमारे धरना प्रदर्शन हुआ इस चीज़ को लेकर वो तो केंद्र के खिलाफ हुआ है ना बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ मैं अपने कार्यवाद हमारे साथ कांग्रेस से भी मौजूद है आपको क्या लगता है अब इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार बनाने की दावे कर रही है बहुत है उत्तर प्रदेश में एक ही मुद्दा नहीं है मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का भी है मुद्दा महंगाई का भी है मुद्दा बे मुद्दा बेरोजगारी क्या है मुद्दा अनेकों कदम कदम पर मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज और धर्मवाद सांप्रदायिकतावाद और मुद्दे पर कोई काम नहीं एक देश के अंदर प्रदेश के अंदर इस तरीके से हमारा पैसा प्रचार में इवेंट में पैसे खर्च करते हैं लोग हम ये इनके होर्डिंग देखो दुनिया भर के स्लोगन लिखे हुए होते हैं उन पर उन स्लोगनों पर एक भी धरातल पर काम नहीं है जिस तरीके से ये हवा बनाई गई पूरे देश के अंदर कि भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है और इन्हों की गलत नीतियों के कारण इन्होंने नोटबंदी करी उसका मुद्दा है इन्होंने जीएसटी लाए तमाम छोटे मोटे मजले जो हैं बेरोजगार हो उद्योग बंद हो गए अनेकों मुद्दे हैं मुद्दे तो बहुत हैं अब आ रहे हैं और समझ में आ जाएगा जनता समझ रही है इस चीज़ को इस किसान का मुद्दा है क्या लगता है किसान के मुद्दे पर सरकार बन सकती है कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल किसान का मुद्दा किसानों ने यह दिखा दिया सरकार को कि तुमने जो गलती की है प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी है लेकिन सरकार ने तो उनकी बातें मान ली मानी सरकार ने ये किसानों ने नहीं मांगा था सरकार ने पूंजीवाद के कारपोरेट के उसमें लाए काला कानून बनाया उस वक्त बनाया वो तो सब वापिस हो गया नए मुद्दे पर बात करते हैं अब चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले नया मुद्दा ये है आप महंगाई देख रहे हैं बेरोजगारी देख रहे हैं शिक्षकों का आप देख रहे हैं और छोटे मोटे मजले मजलैम पंद्रह लाख आदमी अभी जो है चार महीने में जो है बेरोजगार हुआ है क्या उनका परिवार देख नहीं रहा वो भी देख रहा परिवार भी देख रहा उनका चलिए देखिए इनका कहना है कि पंद्रह लाख जो बेरोजगार लोग हुए हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर ये अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं और पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे पब्लिक की क्या डिमांड है जनता क्या जानना चाहती है जी सबसे सब पहले आपसे जानते हैं क्या नाम है आपका मनोज त्यागी यही रहते हैं जी क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार बननी चाहिए मैं तो समझता हूँ देखा जाए तो शायद भाजपा ही अभी देश के लिए बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है जरूरी क्यों है जी आ, एक तरह से मान के चले की कोई भी पार्टी लेके चले मैंने तो यही देखा है कि जंगल राज सबसे मेन मुद्दा महिलाओं के साथ बलात्कार कम से कम इन चीजों पर तो लगाम लगा है लगाम लगा है क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं और भी लोग मौजूद है आपसे जानते हैं क्या लगता है आपको कौन सी सरकार होनी चाहिए कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए अच्छा अखिलेश यादव में में बुराई है? बुराई काम में है है काम काम कोई नहीं करता वो काम नहीं भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसके सिवा आज तक किसी ने नहीं, नहीं किया हम ये भारतीय जनता पार्टी अनुच्छित मोर्चा खटिक समाज से जितने भी दलित खटी समाज के हैं वो सब जोगी जी के साथ है तन मन धन से भी इनका भी अपना अलग रुख है कि जितने भी खटिक समाज के लोग हैं वो योगी के साथ हैं ये एक जनता है जिनका इस तरह का रुख है महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं जी कौन सी सरकार देखना चाहते हैं इस बार किसको बनता है वो देखना चाहते हैं यूपी में केजरीवाल को देखना चाहते हैं वो तो सीट ही ले आए वही खाता नहीं खुले उनका अभी तो ऐसे हालात है कोई बात नहीं जब जनता साथ है तो सीट भी खुलेगी क्यों केजरीवाल को क्यों योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत सुविधा कर रखी है गरीब गरीब आदमियों के लिए स्कूल शिक्षा बिजली फ्री सब चीज है तो हम तो केजरीवाल के साथ है महंगाई को लेकर अगर बात करें महिला सुरक्षा को लेकर पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिला सुरक्षा बड़ी है नहीं महिला सुरक्षा तो बड़ी है पर लेकिन इतनी लड़कियों के साथ इतना कुछ हुआ है क्या हुआ उनका कुछ भी नहीं हुआ चलिए आपसे भी जानते हैं क्या लगता है आपको महंगाई के बाद अगर सुरक्षा की बात की जाए सुरक्षा भी बड़ी है महंगाई के साथ साथ महिलाओं की हाँ जी ये कहने की बात है केजरीवाल जी जो हमारे गाजियाबाद के बनने चाहिए क्योंकि वो सब जगह सुविधा करते हैं हर चीज़ की दिल्ली में बहुत उन्होंने कर रखी है हम चाहते हैं गाज़ियाबाद में भी हमारे केजरीवाल ही आए चलिए देखिए गाजियाबाद में केजरीवाल की बात कर रहे हैं हालांकि हम बात जो कर रहे हैं थोड़ी अलग है और भी जनता हमारे साथ मौजूद है इससे पहले एक बार फिर नेताओं के पास चलते हैं आपसे जानना चाहेंगे महंगाई के मुद्दों को लेकर अगर देखिए गाजियाबाद की जनता बोल रही है कि महंगाई बढ़ी है क्या कहेंगे इस पर देखिए रेशो में अगर हम बात करें हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उन्नीस महंगाई एक रेशो समय समय के आधार पर बढ़ती रहती है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ देश और प्रदेश में आप घूम रहे हैं ये बात सामने आ रही है प्रदेश की जनता देश की जनता कोई भी कीमत आत्मसम्मान और सुरक्षा से बड़ी कोई मुद्दा नहीं हो सकता कांग्रेस का कहना है पंद्रह लाख बेरोजगार हो गए फिर कैसी आत्मसम्मान देखिए कांग्रेस की मैं जहां तक बात करूंगा कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं कभी वो चालीस परसेंट महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करते हैं टिकटों में कांग्रेस अगर बात करे चालीस प्रतिशत तो उनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए किस बात पे भरोसा किया जाए कांग्रेस तो एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई आज तक तर... अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से बाहर नहीं बना पाई लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है कांग्रेस दे देखिए परिवारवाद का आरोप लगाया है आम आदमी से ही पूछ लेते हैं। क्या कहते हो क्या कांग्रेस सरकार परिवारवाद करती है बिल्कुल करती है ये चीज़ हम खुद कहेंगे कि कांग्रेस परिवारवाद करती है आज तक इन्होंने जो बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता ने कहा है कि उन्होंने अभी तक अपने परिवार से बाहर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया आपका क्या मानना है कांग्रेस परिवारवाद करती है परिवारवाद करती तो उन्नीस से आज तक जो हिंदुस्तान में हुआ है तो केवल परिवारवाद से हुआ है जितना हमारा जो समाज या जितना हिंदुस्तान कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया नहीं गठबंधन ये जरूरी नहीं है लेकिन जो सही है उसके लिए थोड़े यहाँ अलग हो सकते हैं भाई कांग्रेस ने उन्नीस से जो आज तक जो काम किए हैं क्या मिला था उन्नीस में कांग्रेस को कुछ था कांग्रेस के पास लेकिन बहुत कुछ छोड़ के गए थे अंग्रेज बहुत कुछ छोड़ के गए थे इतना कुछ नहीं छोड़ के गए जो देश चलाया जा सके लेकिन आज दो उन्नीस के लिए इनकी जानकारी के लिए दुरुस्त अभी हम आपको आंकड़े बताएंगे क्या अंग्रेज छोड़ के गए थे आपसे जानना चाहेंगे आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि परिवारवाद ज्यादा चलता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई अभी तक क्या कांग्रेस के परिवार से अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता परिवार के अलावा देखो बीजेपी के लोग जो है वो आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस को कोसते हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं वो संगठन के माध्यम से बाकायदे उनका चुनाव होता है और जो चुनाव से जीतता है उसका एक प्रक्रिया है चुनाव वाले परिवारवाद करते हैं मैं जनता से चुने हुए का आप परिवारवाद नहीं कह सकते चाहे संगठन का माध्यम हो चाहे लोकतंत्र से चुने हुए का हो ये एक भ्रम फैलाते हैं लोग क्या इनके राजनाथ का लड़का एम नहीं है कितने ऐसे नेता हैं जिनके जो परिवार के जो बीजेपी में कितने वे? लेकिन ये बात गलत है जो जनता से चुना हुआ होता है उसको परिवारवाद की बात नहीं होती परिवारवाद नहीं। वो फिर एक बार बीजेपी के पास चलते हैं आपसे जानना चाहेंगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी परिवारवाद करती है राजनाथ सिंह मैंने एमएलए एमपी की बात नहीं की मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की है लोकतंत्र दिखावे का लोकतंत्र जी जी एमएलए एमपी मेरे अंदर कोई प्रतिभा है तो मैं भी एमएलए एमपी बन सकता हूं किसी सांसद के बेटे में विधायक के बेटे में कोई गुण है अपनी प्रतिभा है वो अगर काबिल है तो कहना चाहते हैं अखिलेश यादव भी परिवारवाद से दूर नहीं रह पाए हैं इस पर क्या कहेंगे परिवारवाद से दूर रहे तो परिवार जो जुड़े जो हुए हैं लोग परिवार में उससे अलग कैसे हो जाएंगे और जो अगर अपनी अपनी जगह नहीं होते तो फिर चाचा भतीजे अलग कैसे हो गए थे तो राजनीतिक दल का प्रोग्राम बनाया नहीं, हुआ नहीं, आप पहले अपनी बात पे स्टैंड कीजिए। आप कह रहे हैं अलग नहीं हो सकते हैं। भी हो रहे हैं। जोड़ भी रहे हैं। किस में नहीं होते है? परिवार में झगड़े होते हैं क्यों नहीं होते ना बीजेपी को हराने के लिए नहीं ये बीजेपी को हराने के लिए नहीं लेकिन उन्हें एक तो होना था परिवार है एक दूसरे की कमी तो महसूस होती है परिवार में लेकिन उससे ये तो निकाल सकता कि जो राजनीतिक दल से वजह से अलग अलग हुए हैं ऐसा नहीं हुआ देखिए इनका कहना है राजनीतिक दल के वजह से अलग नहीं हुए हैं एक बार फिर कांग्रेस पे चलते हैं आपसे एक सीधा सा सवाल महिलाओं के सहारे क्या कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी बिल्कुल महिला भी एक इस देश की एक धुरी है और फिफ्टी परसेंट उनकी आबादी है और महिला किस क्षेत्र में नहीं है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार अब इतना मिल चुका है कि महिला भी पुरुषों के बरोबर की हकदारी है इस पर विरोध क्या जो महिलाओं का विरोध करते हुए तो महिलाओं के विरोधी है हम तो पक्षधर है चालीस प्रतिशत आरक्षण दिया बिल्कुल पचास क्यों नहीं दिया फिर अगर बराबर है नहीं पचास भी हो जाएगा ये तो देने की पहल तो की है अरे ये पहल तो पहल ही नहीं कर रहे अब तो ये सरकार में बैठे क्यों ना महिलाओं के लिए सदन में ला जो बात करते ये तो इनके ज्यादा इनकी सरकार में तो पास दोबारा आते हैं इनका कहना है कि कांग्रेस ने पहल की है जनता से हम जानते हैं कि क्या उस पहल को सराहते हैं जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए कहाँ से आप मेरा नाम अरुण मेहरा मैं सियानी से हूँ मेहरा जी क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए किन मुद्दों पे वोट देते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी पुनः दोबारा हमारे महंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा पुनः मुख्यमंत्री क्यों मत... बनेंगे किन मुद्दों पे वोट देंगे ये सवाल ये किन मुद्दों पर वोट देंगे लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का इस टाइम बढ़िया है और विकास की आप देख रहे हो गे हाई चौबीस घंटे बिजली मिल रही है पूरे जिले को रेट भी तो उतना बढ़ गया है पहले बिजली कहाँ सस्ती हुआ करती थी अब इतनी महंगी हो गई है पहले बिली इसलिए कमाते थे क्योंकि लाइट नहीं आती थी अब लाइट यूनिट, आ थी। पर यूनिट के हिसाब से बात करते हैं पहले दो से चार रुपया हुआ करती थी और आज जो है आपका आठ से नौ पहुँच गई है ये पुराने जो सरकार है उन्हीं का हर जाना अभी भी सरकार भर रही है जो उन्होंने काम करे नहीं थे उसी की वजह से बिजली महंगी है अभी सस्ती हो जाएगी दोबारा जा उनकी मलाई खाए तो ठीक है अगर कमी आ जाए तो हर जाना चलिए और आपसे भी जानते हैं आपका क्या नाम है राजीव शर्मा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्या लगता है कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं सरकार तो आई हुई रखिए जी सरकार तो योगी जी की आनी है लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और कुछ बताना चाहेंगे क्यों आएगी महंगाई पे तो लोग त्रस्त हैं महंगाई से त्रस्त है लेकिन महंगाई के अलावा हमने करोना पे भी काम किया है करोना एक ऐसी आपदा थी जो कह के नहीं आई ना इससे पहले कभी आई थी करोना पे जितना बीजेपी ने काम किया है इतना किसी ने बीजेपी के लोगों ने काम किया है उतना किसी ने काम नहीं किया का कहना है कि बीजेपी ने काम किया है आपको क्या लगता है बीजेपी ने कितना काम किया था इस बार बीजेपी ने बहुत काम किया है सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो लॉ एंड ऑर्डर का था मैं आपको बिल्कुल साक्षात उदाहरण देता हूँ यहीं का ही बाजार का ही यहाँ सुक्कर बाजार लगता था चैन स्नैकिंग चोरिया मेरी दुकान से दिन दहाड़े दिन पे समाजवादी की सरकार में दिन में यहाँ से बैटरी उठा के ले गए और आज स्थिति यह है कि मेरी पुरानी बाल्टी टूट गई पर कोई पुरानी बाल्टी लेके नहीं जा रहा तो उन्होंने गजब के बताए हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो वारदातें हैं ये अभी भी होती है ये मैं आपको शुक्र बाजार की आप यहाँ की मार्केट की मार्केट बात कर रहे हैं तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आराम से दूंगा सबसे सब आपके पास भी चलते हैं आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं इस बार भाई साहब बीजेपी के साथ बहुत सारे मुद्दे विकास का मुद्दा में कोई पांच काम गिनवाएंगे भाई साहब आज रोड देखो आप फर रोड कौन सी रोड हाईवे पे आप निकले चले जाओ पहले आप नेशनल हाईवे है केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था इतनी सुधरी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है भाई साहब मैं अपना बताता हूँ मेरी गाड़ी में चाबी लगी रह गई गलती से मेरे लड़के ने चाबी लगी छोड़ दी पूरे दिन चाबी ऐसी लगी रही किसी की हिम्मत नहीं कि उस गाड़ी में से चाबी खींच ले तो ये अगर हमारे योगी जी की देन है कि योगी जी ने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आज तक कोई भी सभी धर्मों के लोग योगी जी का साथ दे रहे हैं पुणे दो हजार कहना है एनकाउंटर वाली जो सरकार है उसके चलते इस बार बदमाश जो है यहाँ से गायब है और भी लोग मौजूद हैं आपसे भी जानते हैं क्या एनकाउंटर वाली सरकार के चलते बदमाश गायब है बिल्कुल जी इसमें कोई दो है नहीं है फिर एनकाउंटर किन के हो रहे हैं जो बदमाश है जिन लोगों ने आतंक रखा था भू माफिया थे उन्हों, उन्होंने बहुत आतंक धार हुआ था सबके खिलाफ सही कार्रवाई हो रही है और योगी जी जो है दो में बिल्कुल आएंगे इसमें कोई शक नहीं है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे पुलिस पर भी सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी हो रहे हैं क्या कहेंगे फर्जी कोई नहीं हो रहे जो लिस्ट में है जो पहले से वांटेड है जो वांटेड लोग हैं उन्हें आतंक उतारा हुआ है वो भी लोग चिन्हित हो गए उन्हें कहने का मतलब है जो लोग बदमाशी कर रहे थे उन्हीं के साथ हो रहा था एक बार फिर चलते हैं समाजवादी के पास खासकर क्योंकि इन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बार बार कहना है कि जो एनकाउंटर है वो फर्जी है क्या कहेंगे फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं या क्या हो रहा है फर्जी हो रहे हो बिल्कुल इस तरह से फर्जी कैसे नहीं फर्जी हो रहे आप बता दीजिए आप तो अच्छी तरह जानते हैं चीज के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं जो आदमी जिस काम को कर रहा है उसको इनकाउंटर ना करके अदर आदमी का इनकाउंटर कर रहे जो बलात्कार जिसने किया उसे तो छोड़ दिया अदर आदमी को जो इनकाउंटर में दिखा केस की बात कर रहे हैं आप ये जो है क्या नाम मनीषा हत्याकांड में देख लीजिए क्या हुआ उन चारों बंदों का कुछ नहीं हुआ वाली बात हाँ जी मनीषा हत्याकांड जो हुआ बताइए क्या नाम जो सुबह चार बजे हमारे हिंदू धर्म में कहा जो है बॉडी जलाई जाती है लेकिन सुबह चार बजे पेट्रोल छिड़क के बॉडी जला दी गई हैं आपके पास वापिस आते हैं बताइए क्या कहना है मनीषा हत्याकांड देखिए सुबह चार बजे जला। मेरी बात सुनिए ये समाजवादी पार्टी मुद्दा वहीन समस्त मैं तो विपक्ष पूरा मुद्दा वहीन है, फर्जी मुद्दे हैं इनके अगर ये मनीषा हत्याकांड की बात कर रहे हैं तो पंजाब में जो दलित युवक को हाथ पैर काट करके उसे लटका दिया गया उस पर तो ये वहां दलित भाई या वो हत्याकांड नहीं है दूसरी बात सिंगू बॉर्डर सिंगू पर जो उस दलित आप आपसे जानते हैं क्या लगता है आपको लॉ एंड ऑर्डर में रही है बीजेपी शानदार नहीं रही बिल्कुल नहीं रही सबसे लेके महिला को सम्मान को लेके महिला को सुरक्षा को लेके बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर नाकाम रही है उनकी रणनीति नाकाम रही है महिलाएं तो कहती हैं कि आपके ही अभी जनता ने बोला है कि महिला सुरक्षा को लेकर कामयाब रही है योगी सरकार नहीं हमारे इसमें नहीं रही हम नहीं मानते इस चीज को क्यों नहीं मानते मना करने से क्या होता है आंकड़ों की बात करते हैं क्यों नहीं मानते इसीलिए बात करते हैं हाथ दिल्ली दिल्ली कैंट का कांड आपने सुना होगा बात हम कहाँ की कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो मनीषा हथरस कांड देखा आपने जो इतनी खतरनाक मतलब दिल रोने वाली घटना थी वो हर जो व्यक्ति सुन रहा था उसका दिल रो रहा था कि जीप काट दी गई गर्दन तोड़ दी गई फिर भी वो खुलेआम जेल के बाहर हैं कुछ पता नहीं है उनका कहाँ पे वो चारों आरोप आरोप लगे हैं अभी आरोप सिद्ध होने में भी समय है जांच चल जांच क्लियर हो चुकी है वकील ने क्लियर कहा था रेप हुआ है वकील का कहना और जज वकील और जज में जमीन आसमान का फर्क है आप पहले आपसे ये जानना चाहते हैं अगर आप महंगाई के मुद्दों को अगर हटा दीजिए उत्तर प्रदेश में तो क्या लगता है आप कितनी वोट लेकर आ रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और महिला की सुरक्षा को लेकर ही हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीट ले आ सकते हैं इस बार वैसे हमारा अभी सपा से गठबंधन की सिलसिला चला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं हमारे आदरणीय संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश प्रभारी संगठन का मसला चल रहा है अगर किस किसके साथ गठबंधन करेगी आप हमें बताइए कितनी पार्टियों को लेकर चलेगी नहीं पार्टी इतनी नहीं लेकर चलेगी हमारा जो वजूद है वो मजबूत है हमारे जो आर से हमारा जो अभी गठबंधन हुआ है उससे अलग हमें उम्मीद नहीं है कि हम किसी और से गठबंधन करेंगे क्योंकि जो हमारी आज की डेट है उत्तर प्रदेश तो आपने पूरम में भी किया है गठबंधन अभी कोई नहीं क्या केवल आर डी से आर एल डी से हमारा गठबंधन के अलावा अगर मैं बात करूं सोहेल देव पार्टी की तो उन्होंने भी कर लिया सुभाषपा ने भी गठबंधन की वो अपनी तरफ से कह रहे हैं लेकिन हमने अपनी तरफ से नहीं लेकिन हमें मंच साझा हुआ है मंच साझा चलिए आपकी जानकारी अभी आप अब थोड़ा सा देखिएगा आप पार्टी के बारे में है ध्यान दीजिएगा कांग्रेस किसके साथ जा रही है इस बार पिछली बार तो साइकिल पर पंजा सवार था इस बार क्या होगा पंजेगा तो आपके प्रियंका गांधी जी काम कर रही हैं और बदलाव की आंधी है कांग्रेस आपके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है क्योंकि जो भी जनता के कल्याण के काम जो मुद्दे थे वो कांग्रेस ही उठाती रही चाहे कोरोना काल का हो चाहे हाथरस की बेटी का कांड हो चाहे अभी किसानों के ऊपर हो तमाम जितने भी मुद्दे हैं कांग्रेस मुद्दों पर काम करती है और जनता अब समझ चुकी है कांग्रेस ही विकल्प काम है। तो करती है लेकिन काम क्या करती है ये बताइए अरे एक बात बताओ एक कांग्रेस ने वर्तमान परिस्थिति में जो है देश को बेच रहे हैं ये किसके है अब आप, आप काम नहीं चमक रहा आपको चलिए इनसे बात करते हैं इन्होंने सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया है बीजेपी वही चीज बेच रही है जो कांग्रेस ने बनाई थी क्या कहेंगे वही बेच रहे हैं या कुछ अलग चलाए बाहर से, से? देखिए ऐसा जितेंद्र भाई मुझे एक मिनट का आप समय दीजिए मैं कांग्रेस पे भी बात कर लूंगा आम आदमी पार्टी पे भी बात कर लेता हूँ और समाजवादी पार्टी के जल्दी आप बताइए बताइए देखिए पहले समाजवादी पार्टी जो दम भर रही है कि जी हमारा लोकदल से गठबंधन हो गया हम सरकार में आ रहे समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी नाम तो इन्होंने समाजवाद रख लिया इनका असली समाजवाद क्या परिवार में 22 सदस्य हैं तो 22 के 22 जो है कोई सांसद है कोई एमएलए है कोई एमपी है पहली बात ये तो इनका समाजवाद अब कानून व्यवस्था देखिए आपने एमएलए की बात किया वो जनता द्वारा चुने गए आपने कहा इस चीज मेरी बात तो सुनिए क्या टिकट जनता बांटती है परिवार के लोगों को ही टिकट वितरण हो बीजेपी में क्या जनता बांटती है टिकट देखिए हमारे यहाँ कोर कमेटी होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है हमारे आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी नीचे से भूत अध्यक्ष से आए हैं हमारे देश के गृह मंत्री मान्य अमित शाह जी भी भूत अध्यक्ष लेवल से बात को आगे बढ़ाते हैं अभी उन्होंने कहा तो आपने कहा कि परिवारवाद है अगर हमने पंकज सिंह पंकज सिंह पर आवाज उठाई तो आपने कहा कि वो जनता द्वारा चुने गए हैं अब इस चीज को आगे लेकर चलते हैं अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो जनता है जो जनता द्वारा कांग्रेस ने बनाया उसको है उसको बीजेपी पार्टी है आरोप लगाने को क्या प्रदेश की जनता जानती है जागरूक है सोशल मीडिया का जमाना है मीडिया का जमाना है हर चीज प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है यह आरोप अब वो जमाना नहीं रहा आरोप मिथ्या आरोप है अब जैसे आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे भाई आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं मैं दावे से कहता हूं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक सीट पे भी अपनी जमानत बचा ले और ये आरोप लगाना कि वो बेग दिया वो बेग दिया वो, वो आप बताइए जमानत जब्त होगी या बच जाएगी बिल्कुल नहीं हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम बिल्कुल नहीं आएंगे इतनी सीट लाएंगे पांच दस बीस पचास कितनी एनसीआर एनसीआर में हम सीट पूरी उत्तर उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे एनसीआर में सीट निकालेगी कितनी कितनी कोई कोई एक, कोई एक आइडिया बताइए हम कम से कम पच्चीस से तीस सीट उत्तर प्रदेश एनसीआर में निकालेंगे चलिए इन आपको आपने कहा है ये सोनू सूद है इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी संदीप सूद है ये सॉरी संदीप संदीप सूद का कहना है कि आम आदमी पार्टी पच्चीस से तीस सीट निकाल कर लाएगी आप क्या कहते हैं इससे दुगनी तो आप पिछली बार ले आए थे इस बार कितनी लाने वाले हैं आपकी बात चार से पार करेंगे हम चार से पार पार करेंगे चार सौ से पार करेंगे अब उत्तर समाजवादी पार्टी अब की बार सक्षम जनता जनता समझ गई है, तो 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 है। आप कितनी कितनी लेके आने वाले हैं सीट है पूर्ण बहुमत बनाएंगे 403 सीट है दो तिहाई बहुमत से पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी आपके सरकार इनसे त्रस्त आ चुकी है और बीजेपी का सवाल आपसे ये था कि क्या क्या कांग्रेस ने बनाया था तो जो बीजेपी ने बेच दिया अरे देखिए रेल हमने बनाई थी ये बेच दी बी एस का प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री जी ठीक है वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया एल आई दी एयरपोर्ट बेच दिए दुनिया भर की क्या क्या चीज नहीं बेचती देखिए तमाम चीजें बेचने का आरोप लगा रहे हैं आप आप बताइए मुझे आम आदमी पार्टी हाँ नहीं पहले मेरा मेरा सवाल पहले मेरा सवाल जियो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जियो का प्रचार करते हैं लेकिन सरकारी बी को भूल गए हैं लोगों का भी कहना है ये दिक्कत है हमने भी देखी है क्या कहेंगे दो हजार चौदह से पहले नहीं थी क्या बी एस एन एल दो हजार अब तो अब तो लोगों को वीआरएस आर एस दिया जा रहा है नहीं? लोगों को वी आर एस दिया जा रहा है कोई वी आर एस अब एक बात बताइए अगर तकनीक में इजाफा हुआ है हाईटेक तकनीक आ रही है पहले तो प्राइवेट है वो रिलायंस जियो है मोदी जी के ही राज्य में संभव हुआ है बीएसएनएल को भी तो कर सकते थे मेरी बात सुनिए मोदी जी के ही राज्य में संभव हुआ है नहीं तो वन जीबी डाटा लोगों के मोबाइल में सोलह रूपए की इनकमिंग हुआ करती थी हमने वो देश ने कांग्रेस के राज्य में वो समय भी देखा है डाटा और डाटा और आटे पे दोनों पे बात करेंगे अगर डाटा की बात की जाए जब से कोरोना लगा उसके बाद से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी लेकिन अब जो धीरे धीरे दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का दौर आने वाला है उसी के चलते डाटा महंगा हो गया है ऐसे लोगों का कहना है जियो की बात करें या तमाम किसी भी टेलीकॉम कंपनी की बात कर ले सब ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं आपसे जानना चाहेंगे जी आप बताइए क्या नाम है आपका मोहम्मद रईस रईस जी आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में जी पढ़ते ऑनलाइन क्लासेज होती है हाँ जी होती है नेट रिचार्ज महंगा हो गया क्या कहेंगे ये तो है जी सबको तो पता है सबको महंगा हो गया क्या कहेंगे आटा सस्ता करके डाटा महंगा कर आटा भी महंगा ही है भैया इन मुद्दों पर देख रहे हैं इस बार सरकार बढ़िया है सरकार में कोई दिक्कत थोड़ी है हम तो परेशान नहीं।, तो 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 नहीं है महंगाई है लेकिन बढ़िया बस कोई दिक्कत है तो होती चलते जब काम करे तो महंगाई भी होगी चलिए इनका कहना है काम करेंगे तो महंगाई भी होगी एक बार फिर महिलाओं के पास चलते हैं क्योंकि ये अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए पढ़ाती हैं आपसे जानना चाहेंगे आटा तो सस्ता है बल्कि सरकार ने जो है अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनका कहना है कि उन्होंने सरकार जो जनता है उसको नवंबर तक फ्री में दिया है राशन की बात की जाए लेकिन डाटा महंगा हो गया क्या कहेंगे डाटा तो महंगा करा ही है और रही बात महंगाई की तो दाल चावल से थोड़ी ना कुछ होता है उसमें हल्दी भी चाहिए नमक भी चाहिए मिर्च भी चाहिए सारी चीज़ें महंगी हैं तेल भी महंगा है सरसों का तेल महंगा है कौन सी चीज़ ऐसी है अब मान लीजिए इसकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है किसी और बच्चों को नहीं है मोबाइल वो कैसे पढ़ेंगे उनकी वजह बता दीजिए कैसे पढ़ेंगे वो आजकल मोबाइल तो लगभग सभी घर में है मान लिया किसी के पास ना हो कुछ लोग गरीब भी हैं नहीं होते है, किसी के पास मोबाइल की पैड के फोन रखते हैं वो कैसे उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे इनका भी बहुत अच्छा मुद्दा है क्योंकि शिक्षा सबसे पहले है शिक्षा होगी तो स्वास्थ्य होगा और स्वास्थ्य होगा तो रोजगार भी होगा आपसे जानना चाहेंगे आपकी रसोई का क्या बजट रहा है इस बार बहुत महंगा कितना महंगा पहले से तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया बीजेपी थी जब कितना था और जब बीजेपी नहीं थी जब कितना देखो अब ज्यादा महंगा हो रहा है पहले थोड़ा सस्ता था लेकिन अब ज्यादा महंगा हो तो रहा है भी तो बड़ी होगी इनकम में क्या है कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है तो हाँ आप देखिए एक बार फिर दोबारा नेताओं के पास चलेंगे और इस बार फिर एक बार आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं आपने कहा 20 से 25 सीटें आने वाली हैं तो एनसीआर की बात की आपने सिर्फ एनसीआर की तो वह वो गठबंधन के साथ होगी बिना गठबंधन के अभी हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी गठबंधन की बात चल रही है अभी क्लियर नहीं हुआ कितनी सीटों पर गठबंधन होगा और बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो हम चुनाव यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी सिर्फ बच्चों शिक्षा लेके चिकित्सा लेके और उत्तर प्रदेश की गरीबों को लेके महिला के, ले के। इनका कहना है बीस पच्चीस सीट ये ले जाएंगे चार से ज़्यादा वो लेके जा रहे हैं फिर बीजेपी क्या कर रही दावे हैं दावों का क्या आगे समय आ रहा है। आप गाना सुनाने वाले हैं गाना सुनाने वाले हैं दावे हैं दावों का क्या दावे अब मैं आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर्व... मेरी बात सुनिए लाल मेरी बात सुनिए भाई साहब दावे हैं दावों का क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है जरा इनसे पूछिए इनका सवाल का जवाब दीजिए कितनी सीटें सीटें हैं विधानसभा में तीन सौ अड़तीस चलिए आप आपको जरूरी है आ, आप ऐसे, ऐसे करेंगे तो अखिलेश यादव जी अगर आपको सुन लेंगे तो मुझे लगता है आपको दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी चलो कर बताएंगे सीटें इनका क्या नाम है आप बता दीजिए अबे वादे हैं वादों का क्या याद तो देख लो प्रधानमंत्री जी ने पंद्रह पंद्रह लाख खाते के वादे करे थे दो करोड़ युवाओं को हमें भी नहीं मिल पाती थी क्या बीजेपी अपने वादों पर है ये जनता देख रही है ये ये उनका ये कहना था मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ वो वीडियो इस तरह से वायरल हुआ था उन्होंने कहा था कि विदेशों में इतना धन है कि अगर वो वापस आ जाए तो सबके खातों में दस से पंद्रह लाख रुपए आ जाएंगे ये था देने के लिए निका था लेकिन ये कहा था काला धन अगर आ जाए अब काला धन क्यों नहीं आया उन सब पूछेंगे धन कहाँ है ठीक अभी आप पहले आप अपनी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए फिर उधर जाते हैं देखिए एक बात सुनो आपने कहा कि जुमले इन्होंने जुमले ही छोड़े हैं चाहे किसान के मुद्दे पर हो चाहे छात्रों के मुद्दे पर हो चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर हो चाहे आम जनता के बात मुद्दे हो आप इन्होंने इनका मैनोफेस्टो एक भी यदि इन्होंने किया हो जनता से जवाब ले लो एक भी हाँ कुछ भी वापिस चलते हैं आपके पास वापिस आते हैं इनका कहना है कि 2017 में जो मैनोफेस्टो था उसमें आपने एक भी वादा अगर पूरा किया हो तो बताओ और सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो आप गाना सुना रहे थे कि वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी करके गए कि वादे हैं वादों का क्या भूल गए देखिए 2017 में हमारे मैनोफेस्टो में केंद्र 2017 में भी 19 में भी 2014 में भी प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जो देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे मैनोफेस्टो में था हमने पूरा किया इनसे पूछिए अब मोदी जी ने किया नहीं सर जी नहीं जी अरे भाई पैरोकारी आपने करी क्या आपने तो राम मंदिर राम मंदिर निर्माण में बाईस वकील विरोध में खड़े आप बताइए क्या कह रहे हैं हाँ फैसला आपके उसके हित में नहीं आता तो आप एक ईट भी नहीं लगा सकते थे आप ये बात कोड़, सुप्रीम कोर्ट इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट आपके आदेश के अनुसार चलती चलते इन, इनका आरोप है बताइए कैसे इन्होंने आज तक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं चलाई हैं चोर की डाडी में तिनका इन्हें वही नजर आ रहा है इन्होंने हमेशा दुरुपयोग किया है संवैधानिक संस्थाओं का स्वायत कर होती थी आरे आरे इनका मतलब कर रखा इसका मतलब ये तो गलत बात है ये तो रहे गलत काम हैं हाँ अब आप बताइए क्या कह रहे हैं की शासन में ये क्यों भूल रहे हैं की सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कांग्रेस सरकार पे की थी कि सीबीआई पिंजरे का तोता है उस दिन को भूल गए इनसे पूछिए जरा इनसे आप अभी, अभी आपके पास आऊंगा आप बताइए बीस पच्चीस सीट लेके आने वाले आप एनसीआर में राम मंदिर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं सबसे पहले हम राम मंदिर के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे आगे 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 हम मंदिर मस्जिद पर बात नहीं करेंगे हम शिक्षा पे बात करेंगे गरीब गरीबी रेखा से बात अभी ये कुछ बोल रहे थे जब तो आप कुछ बोल रहे थे आप उसको मैंने ये ये कहा था अंधभक्ति है सरासर अंधभक्ति चलती आई है मंदिर पर जो राम को माने वो जो जो राम को माने वो अंधभक्ति है जो राम को माने वो अंधभ नहीं अंधभक्ति नहीं है आप रोड पर खड़े खड़ो जय श्री राम चिल्लाओगे तो वो तो अंधभक्ति मंदिर में जाकर जय श्री राम चिल्लाओ मैं ये नहीं कहूंगा राम ये आस्था गलत है आस्था ये आस्था का विषय रोड पे विषय नहीं है ये आस्था का विषय राम को मैं भी मानता हूँ लेकिन ये रोड पे चिल्लाने वाला काम नहीं है अरे तीन सौ अड़तीस सीट वालों के पास भी चलते हैं आप बताइए ये कह रहे हैं कि रोड पे खड़े होकर अगर चिल्लाएंगे तो वो आस्था नहीं है नहीं रोड पे चिल्लाने से आस्था थोड़ी होती है आस्था होती है, में में होती है कितने कितने जागरण हमने देखे रोडों पे लगते हुए रोड पे लगते हैं और जगहों के विधान पे लगते हैं ना कि जगह नहीं होती तभी तो, तो रोड पे लगाते कर, ले कोई ले, सरकार हमें कोई जगह दे कोई काम के लिए मंदिर में इतनी जगह तो रोड पे जागरण नहीं होगा तो अरे रही मंदिर बनाने की बात है मंदिर बनाया इन्होंने ठीक है लेकिन उसके लिए पब्लिक को थोड़ा कोई जो विदाश करते मान्य है की आपने मंदिर बनाया है चार सौ सॉरी माफ कीजिएगा तीन सीट जो लेकर आ रहे हैं उनका कहना है की आपने मंदिर बनाया है देखे, क्या क्या कहेंगे देखिए ऐसा है मुझे हंसी आती है आप इनसे बूझिए ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले भैया कि जी रोड पे चिल्लाने से आस्था नहीं है मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी इनका इस बारे में क्या राय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़कों पे सड़क जाम करके नमाज पढ़ी जाती है उसे ये सही ठहराते हैं या उसे भी गलत ठहराते हैं नमाज को लेकर कई बार इस तरह की बातें हुई है अगर बात करें हरियाणा की वहाँ पे भी इस तरह की बात हुई है अब आप मुझे बताइए अगर जय श्री राम रोड पर बोलने से आस्था नहीं है तो क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना आस्था है नहीं आस्था तो ना रोड पर राम श्री राम बोलने से है ना ही नमाज पढ़ने से है देखो हर एक चीज़ की एक जगह बनाई है मंदिर किसी भी जो है साधना के लिए एक जगह बनाई गई है रोड नहीं होती है मस्जिद हो या राम मंदिर हो आस्था के लिए एक मंदिर बनाए जाते हैं वो सभी के लिए अच्छा है से भी बात करते हैं आप काफी कह रहे थे कि जो आपने बनाया है वो उन्होंने बेक दिया है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है वो बीजेपी ने बेच दिया है तो तो अब मुझे अब ये बताइए अगर अगर मेरा मेरा सवाल सुन लीजिए अगर इस बार कांग्रेस आती है तो इस बार क्या बनाने वाली है बीजेपी के लिए देखिए जितने भी इन्होंने कानून बनाए जनता के हित के सबसे पहले तो उनका जो खत्म किया जाएगा क्योंकि तो संविधान से चलता है देश कानून से चलता है इन्होंने बैठते के साथ ही सबसे पहले तो जो है अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि राम हमने बनाया। बड़े हैं आप एक बार बताओ सुप्रीम कोर्ट कानून से चलता देश इन्होंने क्या काम करा है आप... जनता के पास चलते हैं जनता के पास चलते हैं जनता के पास चलते है जी आपसे जानना चाहेंगे पांचाल जी इनका कहना है कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है उनका कहना है कि जो बीजेपी बना जो कांग्रेस बनाती है उसको बीजेपी पे एक देती है क्या कह नहीं बीजेपी के उससे ही बनाया वो राम मंदिर कांग्रेस वाले तो हर बार जो अटकाते अटकाते पचास सौ साल से इतने साल से अटका कांग्रेस की कांग्रेस अटका रही थी कांग्रेस अटका रही थी कांग्रेस ही अटका रही थी नहीं तो राम मंदिर तो बीजेपी वालों ने बनाया तीन बीजेपी वालों ने हटाई है नहीं तो अटका ही रहे थे उसे आप बताइए क्या कह रहे हैं बताइए सन उन्नीस में से भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है जब सन 2015 में भारतीय जनता पार्टी है दब का काम कराए हैं हम इस चीज के घंवा हम खुद करके आए आंदोलन करा है। हमने सड़कों पे चले हमने वो भी करा है आंदोलन गौशाला फाटक पर जो आंदोलन हुआ था उसमें भी रहे हम चांद टीले जो बागों में प्लॉट मिले बैठी बता दी उसमें भी हम रहे जो बॉम्बे कॉलोनी के मकान मिले उसमें भी हम आंदोलन में रहे हमने संघर्ष करा है ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कहती हैं है। आप तो सरकार के काम गिनवा रहे हैं उस वक्त अगर के वो आप जो काम गिनवा रहे हैं तो वो प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार में हमारे काम कराने की हमने जो कराए चल के अपने हाथों से रिपोर्ट हम रिकॉर्ड देंगे अपना अपना रजिस्टर देंगे पूरी मिलती देंगे पूरा टेंडर देंगे जो हमने कराए भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम है सक्षम रहेगी आने पास भी चलेंगे इनके पास भी चलेंगे इनका कहना है की भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तरफ से काम करा रही हैं चलिए चाचा जान आपसे जानते हैं इनका कहना है कि रोड पर नवाज और जय श्री राम दोनों बोलना गलत है मस्जिद जगह जिस चीज की उसी में पढ़नी चाहिए और लोगों से बात करते हैं जी आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका मेरा जी अनिल भारती जी, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सब बेच दिया भैया मेरे इसका कहना है बीजेपी ने बीजेपी ने क्या बेच दिया बीजेपी तो विकास कर रही है उनका कहना है कि रेलवे बे भेज रेलवे तो वही है जहां था प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि भेज देना कहीं किसी ने कुछ नहीं बेचा सब वही का वही है चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं ये 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 जो थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं आप आप बताइए क्या, तो क्या? वो को ट्रेन में नहीं जाते या? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेन में नहीं जा रहा पूछना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के लालमन जी से कि ट्रेन में आप कभी उसमें गए नहीं गये हैं जनता का सवाल है जनता का सवाल है कांग्रेस से लेते हैं जनता का सवाल है जी बताइए लालमन जी क्या, क्या रेलवे गरीबों के लिए सबसे सब बड़ा साधन था इन्होंने कॉरपोरेट के हाथ में देकर आज प्लेटफार्म का टिकट पचास रुपए का अब जब ज़्यादा आवाज़ उठी है तो तब दस रुपए का हमारे समय में दो रुपए का हुआ करता था गरीब आदमियों के दुश्मन है ये जिसका कोई हद नहीं और दिमाग में ऐसा बचा एक बात सुनो करोना काल में हम मानते हैं पूरी दुनिया में आपदा है बिल्कुल सही है लेकिन जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होगा आप लैपटॉप नहीं पढ़ सकते उनकी कोई शिक्षा नहीं हो पा रही है जो प्राइवेट स्कूल है वो अपने साधनों से जो घर बैठे जो है ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन का आप देखो गरीब आदमी ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता आते हैं आपके पास इनका कहना है की सरकार ने गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जिनके पास ऑनलाइन संसाधन नहीं थे जो पढ़ाई कर सके कोरोना काल में उनके लिए कुछ नहीं किया क्या कहेंगे देखिए तर्कहीन बातों का कोई जवाब नहीं क्या आप, आपका कहना क्या क्या नहीं किया ये बताइए उनको लैपटॉप दिया हो या टैबलेट दिया हो या मोबाइल फोन दिया हो या उनका रिचार्ज कराया हो कुछ भी एक चीज बताइए एक बात सुनिए दो वर्षों से विगत दो वर्षों से कोरोना जैसी महामारी से देश और प्रदेश जूझ रहा है पहली बात दूसरी बात अगर कांग्रेस ने इतने ही काम किए तो जरा इनसे बूझिए ना कर... सवाल का जवाब नहीं हुआ सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने गरीब बच्चों के लिए कुछ किया वो भी उस वक्त पर जब लोग घरों में बैठे थे क्या उस वक्त उनके पढ़ाई के इंतजाम के लिए कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल बंद थे सभी स्कूलों ने शिक्षण संस्थानों ने जहां आप बैठे हैं मैं यहीं की बात कर लू यहाँ तीन स्कूलों ने ट्वेंटी फाइव प्रतिशत फीस माफ की सभी बच्चों की फीस माफ की बात कर रहे हैं लेकिन फीस माफ के लिए आज भी आ, आंदोलन लगातार चलते रहते हैं आप बताइए क्या क्या बीजेपी ने क्या कहते हैं कोरोना काल की बात करोगे या जब से सरकार बनी जब की बात करोगे दोनों बता दीजिए दोनों बता दो कोरोना काल के अंदर पूरा विश्व कोरोना महामारी से झूझ रहा था तो उस समय हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस गरीबों पर लट बजा रही थी और वो भी उस मजाल अगर गरीब के पास खाने के लिए नहीं अगर व्यवस्था करने के लिए निकला तो लटका तो गरीब तो गरीब तो लट ऐसा है। एक है जरा अभी आप एक मिनट रुकिए भैया मेरा कहना ये है समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कांग्रेस से मेरा सवाल है ये करोना करोना चिल्ला रहे हैं कोरोना जैसी विपदा में अगर इनके नेता घरों से बाहर निकले हो या ये निकले हो कोई एक एक फुटेज ये लाइव दिखा दें अपनी एक वे वे फुटेज ये लाइव दिखा दें अपनी कहीं इन्होंने मदद की हो विदेश चले गए थे तो राहुल गांधी विदेश चलिए चलिए आप आप फुटेज निकालिए आप फुटेज आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त फुटेज निकाल रही है इनके पास भी चलते हैं लेकिन आपसे जानना चाहेंगे गंगा की सफाई की बात करती है बीजेपी हमेशा कोरोना काल में लाशें कहाँ से निकल आई फिर गंगा से ही आई थी गंगा में ही थी लाशें तो उसी के लिए लाशें तो सफाई की थी इन्होंने के पटक दी उसी को कचरा दिखा दिया उन्होंने और फिर हमसे ही कहते कि क्या नाम जो है ये लाशें हमारी नहीं है बताइए अस्पतालों से लाशें कैसे पहुंची गंगा जी तक चलिए तीन सीट के बाद एक चीज सही निकली है अब आप मुझे बताइए क्या कहते हैं जो लाशें थी क्या कहेंगे उन पर बिल्कुल है व्यवस्था अपने दावे उनको जो दूसरे पे थोपना अरे अब तुम सत्ता में बैठे हो अब तक तो कांग्रेस को और विपक्ष को कोसना बंद कर दो अपने कर्तव्य का निर्माण करो अपने दायित्व का निर्माण करो है गरीब किसानों के मुद्दे को देख लो रोजगार के मुद्दे को देख लो गरीबी के मुद्दे को देख लो तमाम अच्छा एक बात और बता हाँ, बताइए बता पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यदि बिजली महंगी है तो उत्तर प्रदेश में है और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं पहले हमारे राज्य में या वो और के राज्य में जो है ग्रामीण में कुछ नहीं कटिया डाल के बेचारे करते थे आज ग्रामीण में हाल बुरा हाल और ढाई ढाई हजार रुपए जो ना बिजली के बिल आ रहे हैं वापिस आते हैं वापिस आते हैं आप तो बीस पच्चीस सीट लेके आने वाले एनसीआर में बिजली बिजली के मुद्दे की बात करें अभी अभी पहले आप पहले 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 मुद्दे की बात करते हैं बिजली सस्ती करने वाले हैं कितनी सस्ती तीन सौ यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली फ्री करने वाले हैं उसका अभियान भी चलाया हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तीन सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे और देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे, हाँ। देंगे। चलिए देखते हैं वापस चलते हैं जनता के पास चलते हैं जी आप बताइए बहुत देर से कुछ कह रहे थे मैं बहुत देर से कुछ ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव दो साल के एडवांस तो शराब के ठेके बेच के चला गया था जिसमें वो पोंटी चड्डा की शराब पीनी पड़ती थी आज इंडिविजुअल हर आदमी का अलग ठेका है जो मर्जी चाहे ब्रांड ले लो दूसरी चीज बिजली को भी जो बिजली महंगी है अखिलेश यादव कॉन्ट्रेक्ट करके चला गया था दस रूपए यूनिट के सरकार सब्सिडी देके भी अब आठ रूपए यूनिट दे पा रही है तीसरी चीज एक ये है कि तीन से महीने की ये मारा मारी है बस तीन महीने बाद पता ही नहीं भी है की आएंगे योगी जी ये कहीं आसपास भी नहीं है ये भी कुछ कहना चाह रही है बताइए क्या कोरोना काल में कर्मचारियों ने पूरी ड्यूटी दी संडे की भी बराबर दी उनको क्या मिला कर्मचारियों की बात नगर निगम वाले जो कर्मचारी नगर निगम वालों ने सबके घरों में सफाइया करी थी जो लोग घरों में रह रहे थे उन लोगों लोग घर से नहीं निकलते थे वो अपने हाथ से कूड़ा उठाते थे, थे लेकिन उनकी तनख्वाह आज तक नहीं बढ़ी लोग घर में सो रहे ठीक है चलिए वापिस आते हैं वापिस आते, आते हैं बीजेपी पे वापिस आते हैं उन्होंने सवाल उठाया है कि कोरोना काल में जो वो अपने गुण गिनवा रहे हैं वो अगर घर जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने पूरा काम किया लेकिन उनकी सैलरी भी भी नहीं बढ़ी क्या कहेंगे देखिए ऐसा है जो हमारे कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर थे चाहे वो सफाई कर्मचारी थे और चाहे वो डॉक्टर थे जो जो भी कोरोना काल में लगे रहे ये देश ये प्रदेश उनका सदैव आभारी रहेगा उनका भारतीय जनता पार्टी दिल से सम्मान करती है आभारी से पेट नहीं चलेगा इनका सवाल ये है कि उनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी सैलरी समय समय पे दी गई है सैलरी किसी की कोई बकाया नहीं है केवल राजनीतिक बा, सैलरी बड़ी बकाया कोरोना काल का एक रुपया हो तो मैं लाइव चैलेंज करता हूँ नगर निगम का रिकॉर्ड आपने सवाल नहीं सुना सवाल ये है कि इनकी सैलरी नहीं बड़ी इनकी मांग थी उसको लेकर क्या देखिये ऐसी है समय समय पे हर एक संस्था है देश में प्रदेश में लोकतंत्र है समय समय पे समीक्षा होती है और उस जरूरत के अनुसार सभी का वेतन बढ़ता है समय नहीं आया इनका कहना है समय नहीं आया नगर निगम के जो कर्मचारी उनकी सफाई बढ़ाने का क्या कहेंगे समय नहीं, नहीं आया समय आ, पता नहीं कौन सी सदी में आएगा जो भाई जो सफाई कर्मी जिस टाइम सब जो है लोग घरों में थे उस टाइम सफाई कर्मी रोड पर थे ना तो उनको कोई सुविधा दी गई ना कोई डॉक्टर सुविधा और जो सैलरी उल्टी उनकी पंद्रह सौ रूपए लैस कर दी इन लोगों ने तो बताइए कौन सा बढ़ोतरी किया इन लोगों ने, लो ने? सैलरी उल्टी घटा घटा दी गई बढ़ाने के बजाय सैलरी घटा दी गई पहले 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 जनता के पास चलते हैं पहले जनता से पूछते हैं कि क्या सैलरी घटाई गई है फिर वापस बीजेपी पे आते हैं सैलरी घटाने की बात हो रही है कितनी घटाई सर दस हजार रूपए थी दस में से उन्होंने नौ हजार रूपए हमारी कर दी हजार रूपए हमारे काट लिए और पिला जो पंद्रह हजार रूपए की तनख्वाह है उसमें साढ़े छह हजार रूपए सी कंपनी वाले उनको दे रहे हैं जो पूरे दिन अपने बच्चों को छोड़े तनख्वाह टाइम से भी नहीं मिलती उन लोगों को कितनी लेट होती है दो दो तीन तीन महीने हो जाती है हाँ जी वापिस वापिस बीजेपी पर चलते हैं चलिए सबसे पहले आपसे पूछते हैं सफाई कर्मचारियों को कहना है दो से तीन महीने सैलरी लेट आती है आप भी खटीक समाज से है क्या लेट आती है बाकी नहीं जी कोई लेट नहीं आती मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ मैं कोई मंत्री नहीं हूँ लेकिन सब काम करते हैं आप नहीं? मैं जी यही मेरा यहीं मजदूरी करता हूँ हम बात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा संजय जी संजय जी एक सवाल उनका कहना है कि जो सैलरी बढ़ानी थी बढ़ानी तो छोड़िए घटा दी गई और दो से तीन महीने सैलरी लेट आई देखे ऐसा है मैंने अभी कहा आरोप और दावे मन बनाने को ख्याल अच्छा है कहना है वो काम करते हैं वो आरोप नहीं वो सीधा कह रहे हैं हम काम है। मेरी बात सुनिए ये एक अलग मुद्दा है मैंने बताया ना हर विभाग में समय समय पर समीक्षा होती है कमेटी होती है उस समीक्षा रिपोर्ट में जो समीक्षा के आधार पर उनकी सैलरी घटा दी गई समीक्षा के आधार पर घटा दी गई क्या कहेंगे आप नहीं उनका कहना कि एक हजार रुपए नहीं ऐसा ये गलत है गलत है इनका कहना है कि गलत है समीक्षा के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाएगी क्या कहेंगे ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं और ये हवा हवाई जो बात कर रहे हैं पहली बात तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा मोहद्दी मुझे दो मिनट का समय दे बोलने का समय दे दिल्ली प्रदेश के अंदर की बात करता हूँ दिल्ली प्रदेश में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक करोड़ का मुआवजा देने की बात करी थी और उन्होंने एक एक करोड़ दिया जो दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली मॉडल में दिल केजरीवाल जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा सैलरी और घटा दी जा रही है नगर निगम वालों की स्वास्थ्य विभाग वालों की ये क्यों ऐसा क्यों आपके पास आते हैं इनका कहना है कि सैलरी घटाई जा रही है और सबसे बड़ी बात अब हम करते हैं सबसे बड़ी बात ये कि जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए नगर निगम की बात की जाए या सफाई कर्मचारियों की बात की जो उनको उपकरण देने चाहिए टेक्निकल उपकरणों की हम बात करते हैं साफ़ सफाई को लेकर वो अभी तक क्यों नहीं है वो बजट में क्यों नहीं रखे गए क्यों उनको नहीं दिए जा रहे नाच ना आता नहीं आंगन टेढ़ा आम आदमी पार्टी ना किसी रेशम में ना दौड़ में दिल्ली में बड़ा सुशासन इन्होंने दे रखा दिल्ली की जनता आज प्रदेश देश की राजधानी है दिल्ली उसका जिस प्रकार से इन्होंने नाश किया है फिर भी जीते फिर भी, भी नहीं जीते आने वाले समय में भाई साहब आने वाले समय में आने वाले समय में देश राज दिल्ली की जनता गिन गिन के कितनी सीट कितनी सीट लाने वाले उत्तर प्रदेश आप था? आप कितनी लाने उत्तर प्रदेश में हाँ, पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत तो से तो आपसे भी खत्म करते हैं आप भी, कितनी सीट लाने वाले पूरे अगर उत्तर प्रदेश गठबंधन है तो पूर्व मोहम्मद से हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे और गठबंधन नहीं होता तो पूरा एनसीआर में मोहम्मद से सरकार बनाकर लेकर आएंगे सरकार हाँ एनसीआर से शुरुआत करेंगे एनसीआर से क्योंकि दिल्ली के अटैच में पूरा एनसीआर है और दिल्ली की सारी प्रभाव से जानना चाहेंगे तीन सौ अड़तीस सीट में से कितनी लाने वाले प्रॉपर ले में आएंगे तीन हमारे साथ है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी और अब सब पार्टियों से तरस्त हो गए देश को कांग्रेस ही चला सकती है देश में प्रदेश में कांग्रेस ही चला सकती है क्योंकि इनको अनुभव है बाकियों ने सबको लूटा भ्रम फैलाया चलिए देखिए इस वक्त हम थे गाज़ियाबाद के नंदग्राम के अटल चौक पर मौजूद और यहाँ हमने जनता के साथ साथ इन तमाम नेताओं से भी बातचीत की जिनका कहना था कि इस बार हम अपनी सीट जो है पूरी तरह बहुमत से लेके आने वाले हैं तो गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया